ऐ जिंदगी देख ली तेरी औकात मैंने, तू मेरा हौसला देख, तू मेरा हौसला देख। सो बार गिरकर भी खड़ा हूँ मैं, सो बार गिरकर भी खड़ा हूँ मैं तेरे आगे, अब तू मेरा जुनून दे। वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो करण संगवान है, जो एक टीचर है और पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। करण संगवान साल 2020 से अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे, लेकिन उनका एक वीडियो उनके गले की फांस बन गया। दरअसल करण का एक वीडियो 13 अगस्त को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें करण संगवान ने छात्रों से अगली बार शिक्षित उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने कहा कि याद रखें कि जब भी आप अगली बार वोट करें तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनें जो चीजों को समझता हो। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुनें जिनको सिर्फ नाम बदलना आता हो। अपना निर्णय ठीक से लें। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। हालांकि उनके कमेंट को लोगों ने बीजेपी सरकार से जोड़ा, जिन्होंने हाल के दिनों में राज्यों और स्थानों के नाम बदल दिए हैं। संगवान का कमेंट बीजेपी के समर्थकों को पसंद नहीं आया और उन्होंने अनअकैडमी के खिलाफ एक ट्रेंड शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर हल्ला कट गया। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, अनअकैडमी का मोदी विरोधी एजेंडा, शिक्षा के नाम पर परोसी जा रही मोदी से नफरत। ये हैशटैग अनअकैडमी का शिक्षक करण संगवान है, जो अपरोक्ष रूप से पीएम मोदी को अनपढ़ कह रहा है, पीएम मोदी को वोट ना देने की अपील कर रहा है। आपको पीएम मोदी पसंद नहीं है तो उनका विरोध करें, लेकिन शिक्षा की आड़ में अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकते। @unacademy, क्या आप इसका समर्थन करते हो कि भारत की चुनी हुई सरकार के विरुद्ध एजेंडा चलाओ? करण का जब विरोध हुआ तो अनअकैडमी ने संगवान को निकाल दिया। एटेक फॉर्म ने कहा कि क्लास व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है। अब करण ने इस बारे में ये साफ कह दिया है कि वो 19 अगस्त को विवाद के बारे में जानकारी पोस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके कारण मैं विवाद में हूं और उस विवाद के कारण मेरे कई छात्रों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ साथ मुझे भी परिणाम भुगतना होगा। कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और जिस वीडियो की वजह से मैं कॉन्ट्रोवर्सी में आ गया हूँ और उस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े। साथ ही साथ में मुझे तो करने ही हैं कॉन्सिक्वेंसेज, मैं कॉन्सिक्वेंसेज काफ़ी सारे फेस कर रहा हूँ। वो कॉन्ट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई, किस वजह से स्टार्ट हुई, किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। वो वीडियो 19 अगस्त को रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पे आपको लाइव मिलने वाली है। बता दें कि टीचर को हटाने पर केजरीवाल से लेकर कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। हैरानी जताते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। केजरीवाल के मामले पर नाराजगी जताने के बाद अनअकैडमी के को-फाउंडर रोमन सैनी ने कहा कि करण संगवान ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था, इसलिए कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा। हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इसे लेकर हमने हमारे शिक्षकों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की है। बता दें कि हरियाणा के रहने वाले करण संगवान ने क्रिमिनल लॉ में LLM किया हुआ है और 7 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सांगवान साल 2020 से अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे। करण सांगवान यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला के फाउंडर हैं।
अब उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मैसेज दिया है कि वो 19 अगस्त 2023 को एक वीडियो के जरिए इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। करण को अरविंद केजरीवाल समेत कई राजनेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, जिनका कहना है कि एक टीचर को इस तरह से निकाला जाना गलत है। अब 19 अगस्त को करण क्या कुछ कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। आपको क्या लगता है, क्या करण ने जो किया वो सही है या गलत? अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।